मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकतब फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर। साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मुसलमानों, मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाजर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इख्तदार का हवस नहीं था। मैंने इख्तदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताश करके बाहर फेंक के रखा था। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क में अवाम के जहन में तब्दीली लाई। मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहरों और हारियों के जहनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है, और भी अगर इस्लाहात ना होते ये भी बहुत ही बड़ी बात है। अवाम मजदूरों के सिर, मैं अवाम की पैदाइश हूँ, अवाम की ताकत ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया, मैं अवाम से दूर कैसे हो सकता हूँ। अवाम और मेरे दरमियान में अगर मछली पानी के बाहर रह सकती है, खुशबू फूल से जुदा हो सकता है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम से दूर हो सकता है। आज मैं बड़ी जुरत से ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से सरदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। लीगलाइज एवरीथिंग दैट हैज बीन इलीगल टिल 14th और 15th ऑफ डिसंबर 1971। आई विल नॉट बी अ पार्टी टू इट। वी विल फाइट, we'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going.